नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एकैड डिज़ाइन में। यह है ऑटोकैड 3D मॉडलिंग एक्सरसाइज नंबर 23। तो यहाँ पे हमारे सामने एक है डायग्राम, इसकी मदद से हम इसका 3D मॉडल बनाएंगे। इस डायग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम किसी भी डायग्राम को एनालाइज करते हैं, तो इसे भी एनालाइज करके हम डिसाइड करेंगे इसके स्टेप्स। तो सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे हम ये प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ अटैच ये वाली प्रोफाइल बॉटम की, वो भी ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट प्लेन पे। और उसे फर्स्ट प्रोफाइल को हम 68 और सेकंड प्रोफाइल के लिए 24 को एक्सट्रूड करके इन दोनों को बीच में यहाँ पे प्लेस कर देंगे एक दूसरे के सेंटर पे। उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस फेस पे, डायमीटर रहेगा इसकी रेडियस यहाँ पे 16 दी है, तो 32 डायमीटर का सर्कल निकालेंगे यहाँ पे और एक्सट्रूड करेंगे अप टू 38 पे। और नेक्स्ट जो अंदर वाला छोटा सर्कल है उसका डायमीटर है 12 यूनिट और उसे हम प्रेस पुल करेंगे 16 यूनिट के लिए डीप, यहाँ पे उसका होल साइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं फ्रंट, लेते हैं पॉलीलाइन PL, तो यहाँ से सेट करते हैं 22 यूनिट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। उसके बाद बॉटम में आएंगे हम, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे 36 प्लस 19 55 यूनिट, प्रेस एंटर। उसके बाद हमें आना है लेफ्ट साइड में स्ट्रेट 38, प्रेस एंटर। अप साइड में 19 यूनिट, एंटर। उसके बाद हमें इसे ट्रैक करके पॉइंट लेना है, दैट्स इट। और यहाँ पे सी एंटर से क्लोज कर देना है इस प्रोफाइल के लिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे डाउन है 16 यूनिट की, ये प्रोफाइल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लेते हैं पॉलीलाइन PL, सिमिलरली यहाँ से ये डिस्टेंस कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमें डाउन आना है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है 16 और यहाँ पे है 12, तो 16 माइनस 12 4 यूनिट की यहाँ पे डिफरेंस है 4, और यहाँ पे लेंथ बनेगी वो है 95 माइनस 38 57 की लेंथ, टोटल लेंथ आ गई है। और यहाँ पे हमें नीचे आना है 12 यूनिट, और यहाँ पे हम इस प्रोफाइल को ट्रैक पॉइंट की मदद से ये पॉइंट लेंगे और सी एंटर के साथ इसे क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे देखिए एक चैम्फर है जिसकी लेंथ यूनिट है यहाँ पे 6 और 12, तो CHA कमांड के साथ लेते हैं CHA फॉर चैम्फर। D फॉर डिस्टेंस, फर्स्ट लाइन डिस्टेंस हम लेंगे 12 और सेकेंड लाइन डिस्टेंस लेंगे 6। तो फर्स्ट लाइन हम ये सिलेक्ट करेंगे और सेकेंड के लिए ये, तो हमारा चैम्फर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल काम कंप्लीट हो चुका है। होम पे क्लिक करने के बाद SW आइसोमेट्रिक का स्केच ले लेते हैं। विजुअल स्टाइल को शेडेड विद एजेस में सेट करते हैं। उसके बाद लेते हैं एक्सट्रूड कमांड, उससे पहले हमारी यहाँ पे एक रेडियस रह चुकी है 22 यूनिट के लिए, तो यहाँ पे लेते हैं फिलेट आर एंटर रेडियस 22 एंटर। उसके बाद ये दो लाइन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए रेडियस हमारी आ चुकी है। तो उसके बाद लेते हैं एक्सट्रूड कमांड EXT सिलेक्ट, ये प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूड की वैल्यू देते हैं यहाँ पे 68 यूनिट, सेंटर, दैट्स इट। और यहाँ पे नीचे वाली प्रोफाइल जो है वो 24 यूनिट के लिए हम एक्सट्रूड करेंगे, इसे एक्सट्रूड 24, दैट्स इट। और उसे हम अभी सेंटर में प्लेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मूव कमांड लीजिए, टॉप प्रोफाइल पे मिड पॉइंट सिलेक्ट कीजिए और उसी तरह से इस मिड पॉइंट पे इसके यहाँ पे प्लेस कर दीजिए कुछ इस तरह से। ओके, F7 की मदद से ग्रिड को हटा देता हूँ फिलहाल। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोफाइल की तरह एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है, लेकिन इसकी बॉटम से हाइट है 38 यूनिट। तो सबसे पहले हम बॉटम पे ही रेडियस 16 का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो सर्कल के लिए सी कमांड। फेस के लिए हम डिटेक्ट करेंगे इसकी फेस, उसके बाद हमें सिमिलर इस फेस पे सर्कल मिलेगा कुछ इस तरह, इसकी रेडियस है 16 मीटर। और उसे हम मूव करेंगे अप डायरेक्शन के लिए जिसकी हाइट है 38 यूनिट,
ओके और सिमिलरली इस सर्कल के अंदर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल प्रोफाइल को डिटेक्ट कीजिए, सर्कल का सेंटर पॉइंट लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो छोड़ दीजिए, पहले हम इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो ext कमांड के साथ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसे एक्सट्रूड कीजिए वैल्यू 38। यहाँ पे हमने वैल्यू 38 इसलिए लिए है कि यहाँ पे कंटिन्यूशन से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ताकि यहाँ पे एक कर्विंग पोजिशन है, इसलिए 38 के साथ हमें एक्सट्रूड कर दिया है। उसके बाद हम इन पूरे ऑब्जेक्ट को यूनियन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर सर्कल निकालते हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट को ये प्रेसपुल कर देगा और किसी ऑब्जेक्ट को प्रेसपुल नहीं करेगा, कटआउट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम यूनियन कमांड के साथ ये तीनों सॉलिड ऑब्जेक्ट कंबाइन कर लेते हैं इस प्रकार से। अब लेते हैं सर्कल और डिटेक्ट करते हैं ये फेस, ओके, और इस सर्कल का सेंटर पॉइंट, और इसका डायमीटर है 12 यूनिट। अब लेते हैं प्रेसपुल टूल, सेलेक्ट करते हैं सर्कल, डिटेक्ट होने के बाद अंदर की तरफ कर्सर मूव कीजिए और वैल्यू दीजिए 16, सेंटर, दैट्स इट। और इसी तरह से हमारा ऑब्जेक्ट ये जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको सारी स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। सिमिलरली आप भी ट्राई कीजिए इसे कम से कम समय में बताने के लिए, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने टाइम में इसे कंप्लीट किया है। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए, एज सून एज पॉसिबल मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।